इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने फ़ोन के अंदर कोई लॉन्चर लगा लेते हैं तो उसको कैसे डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ये हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फिलहाल जो हमारा यहाँ पर मेन लॉन्चर ही है, मैंने कोई एक्स्ट्रा लॉन्चर नहीं लगा रखे, लेकिन इस वीडियो को आप ध्यान दे दीजिएगा और तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेटिंग दिखेगी, हर लॉन्चर में आपको सेटिंग्स दिख जाएगी, तो उसको खोल लेना है। खोलने के बाद जब जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा होम स्क्रीन एंड रीसेंट, इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लॉन्चर आ जाएगा, यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा लॉन्चर होंगे जिसको आपको डीएक्टिवेट करना है, उससे हटाकर यहाँ पर अपना मैन लगाना है, तो सिस्टम लॉन्चर पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे सिस्टम लॉन्चर पर आप क्लिक करेंगे आपका लॉन्चर डिफ़ॉल्ट वाला जो होगा वो लग जाएगा और बाकी का जो होगा वो हट जाएगा। उसके बाद आप बैक लाएंगे, आपका फ़ोन एकदम ब्लैक हो जाएगा थोड़ी एक दो सेकंड के लिए, और आपका जो ये लॉन्चर है वो हट के फिर ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट लॉन्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है डिफ़ॉल्ट जो है अपने लॉन्चर को हटाने का। अगर वीडियो यहाँ पर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।